नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे महान हस्ती, एक ऐसे दंपति, एक ऐसे कपल के बारे में बात करूंगा जिन्होंने ना केवल मिसाल पेश किया। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जो प्रेम विवाह या कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन के विषय में है, तो हम आपको केवल शादी करने के तरीकों को बताने तक और कानून बताने तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। आपको यह भी बताएंगे कि आप अगर आप शादी करना चाहते हैं या शादी करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने एक नाम तो सुना ही होगा, सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज वो व्यक्ति जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुषमा स्वराज ने भी कभी लव मैरिज किया था, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर के, अपने परिवार वालों के विरोध जाकर के। हरियाणा के रहने वाली थी, लेकिन सोचिए कि कितना सफल रहा उनका प्रेम विवाह और क्यों रहा सफल। हरियाणा में जिस वक्त उन्होंने शादी किया था, उस वक्त तो लड़कियों के घर से निकलने पर भी पाबंदी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर के उन्होंने उस समय कौशल स्वराज, जो उनके पति के नाम है, उनसे शादी की। और कौशल स्वराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उस वक्त जो है सबसे कम उम्र में एडवोकेट जनरल बने थे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं राज्यों के, तो काफ़ी उनका स्ट्रेचर रहा। लेकिन सुषमा स्वराज के बारे में सब लोग जानते हैं कि जैसा कि सुषमा स्वराज ने शादी किया तो उनके पति उस वक्त शादी के वक्त वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे, फिर अपनी पत्नी को भी उस पार्टी के साथ जोड़ा और धीरे धीरे सुषमा स्वराज ने अपने हुनर से इतना आगे अपने करियर को लेकर के गई कि उनके पति का नाम स्वराज अमर हो गया। उनके पति का नाम आज भी लोग गौरव के साथ लेते हैं, सुषमा स्वराज। यानी सुषमा ने अपने पति का नाम अपने साथ जोड़ लिया, अपना सरनेम बना लिया और बन गई सुषमा से सुषमा स्वराज। और वो अब स्वर्गीय हैं, हमारे बीच नहीं है, परंतु उन्होंने जो मिसाल पेश की है आपको इससे सीखना चाहिए। मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि यदि आप भी प्रेम विवाह के बारे में सोचते हैं तो आप यह भी सोचिए कि केवल प्रेम विवाह कर लेना मंजिल नहीं है, प्रेम विवाह को सफल बनाना मंजिल है। आपको उस प्रेम विवाह को सफल बनाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि आपकी पढ़ाई पूरी हो, जैसे कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें और जब आप शादी करें तो उसके बाद एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकें, यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको सुषमा स्वराज की कहानी से प्रेरणा लेना चाहिए और मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद जो उनके, सुषमा स्वराज के जीवन पर आधारित होगा, उनके पति पर आधारित होगा। इस स्लाइड को देखिए आप पहले और इसको देखने के बाद से आप देखिए कि कितना खुशहाल और कितनी अच्छी जिंदगी उन्होंने व्यतीत की। आपने जो ये स्लाइड देखा, आपको लगा होगा, देख के बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी कामना कर रहे होंगे कि आपको भी ऐसी ज़िंदगी मिले, आप भी अपने प्रेम को सफल बनाएं। तो दोस्तों,
आपको भी जरूरी है कि आप अपने प्रेम के साथ आप अपने काम को भी महत्व दें और अपने काम को महत्व देते हुए अपने आप को मजबूत बनाएं, तब जाकर आप शादी करें। अगर आपको शादी से संबंधित कुछ और वीडियोस चाहिए प्रोसेस के बारे में, तरीके के बारे में, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को जा करके ओपन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे बात करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधियों से आपकी सीधे बात होगी और आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।